तुम्हारा थर्मस खो गया क्या? वो तो कभी नहीं होगा। जो भी है। So guys, welcome back to another video. इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉप 7 नेटफ्लिक्स मूवी और इन सभी मूवी को 2020 में रिलीज किया गया है और ये सभी मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है और इन सभी मूवी के लिंक आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखना जिससे कि आपकी फेवरेट मूवी आपसे मिस ना हो। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 7 हुबी हेलोवीन। इस मूवी को रिलीज किया गया था सन 2020 में और इस मूवी का जेनर है फैंटेसी एंड मिस्ट्री। 1 घंटे 42 मिनट की मूवी है जिसको IMDb ने 10 में से 5.2 की रेटिंग दी है। 82% के लाइक इस मूवी को गूगल जस्ट द्वारा दे गए हैं। यह एक कमाल की एकदम मस्त मूवी है जिसमें आपको वेयरवुल्फ भी देखने को मिलेंगे और एकदम मस्त मूवी है। आपको यह मूवी जरूर देखनी चाहिए। उस मूवी की कास्टिंग में आपको एडम सैंडलर और नोहो स्नैप देखने को मिल जाएंगे और साथ ही इस मूवी में आपको और भी अच्छे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। आपको यह मूवी पसंद आएगी और यह मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। नंबर सिक्स पर आती है व्हाट मैन वांट। इस मूवी को रिलीज किया गया था सन 2019 में और इस मूवी का जेनर है रोमांस एंड कॉमेडी। 1 घंटे 57 मिनट की मूवी है जिसको IMDb ने 10 में से 5.3 की रेटिंग दी है। 82% के लाइक इस मूवी को गूगल जस्ट द्वारा दे गए। यह एक कमाल की कॉमेडी मूवी है। 8 फरवरी 2019 को इस मूवी को कनाडा में रिलीज किया गया था और इस मूवी की कास्टिंग में आपको टाराजी पी हैंसन और एडिसन होग देखने को मिलेंगे। काफ़ी अच्छी और मस्त मूवी है। आपको इस मूवी को देखकर मजा आएगा। यह एक ब्लैक कॉमेडी मूवी है। Deserves this. Give it up for our summit, Worldwide Sports Management, newest partner. Whoa! Allie, that pass was actually to Eddie. Woo! All right. नंबर फाइव पर आती है ए बेबीसिटर गाइड टू मॉन्स्टर हंटिंग। सन 2020 में इस मूवी को रिलीज किया गया था। 1 घंटे 34 मिनट की मूवी है और यह एक फैंटेसी मूवी है जिसको IMDb ने 10 में से 5.4 की रेटिंग दी है। 94% के लाइक इस मूवी को गूगल जस्ट द्वारा दे गए। 15 अक्टूबर 2020 को इस मूवी को रिलीज किया गया था और इसकी कास्टिंग में आपको टॉम फेल्टन और ओना देखने को मिल जाएंगी। काफ़ी अच्छी और मस्त मूवी है। आपको यह देखनी चाहिए। ये है बुया बेर। बुया! उस पे लाइन मारना बंद करो कर्टिस। नहीं यार, कम ऑन। नंबर फोर पर आती है नाइट स्कूल। इस मूवी को रिलीज किया गया था सन 2018 में और इस मूवी का जेनर है कॉमेडी। 1 घंटे 52 मिनट की मूवी है जिसको IMDb ने 10 में से 5.6 की रेटिंग दी है। 88% के लाइक इस मूवी को गूगल जस्ट द्वारा दिए गए हैं। 27 सितंबर 2018 को इस मूवी को रिलीज किया गया था पुर्तगाल में और यह एक कमाल की कॉमेडी मूवी है जो कि आपको हंसा हंसा कर पागल कर देगी। आपको यह मूवी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ और इस मूवी की कास्टिंग में आपको केविन हार्ट देखने को मिलेगी। Do you smell gas? A little bit. Came out, but I was nervous. That's just a quick one. No, that's... I got 13 degree burns on my... नंबर थ्री पर आती है हॉलीडेट। इस मूवी को रिलीज किया गया था सन 2020 में। 1 घंटे 43 मिनट की मूवी है जिसको IMDb ने 10 में से 6.1 की रेटिंग दी है और इस मूवी का जेनर है रोमांस। 88% के लाइक इस मूवी को गूगल जस्ट द्वारा दे गए हैं। एक कमाल की मूवी है जो कि आपको देखनी चाहिए और इस मूवी की कास्टिंग में आपको लुक ब्रेसी एमा रोबोट्स देखने को मिलेगी और भी अच्छे एक्टर इस मूवी में आपको नजर आ जाएंगे। एक कमाल की मूवी है जो कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इतनी डॉटी डांसिंग की जरूरत नहीं थी। नंबर टू पर आती है एनोला होम्स। इस मूवी को रिलीज किया गया था सन 2020 में और इस मूवी का जेनर है मिस्ट्री। 2 घंटे 1 मिनट की मूवी है जिसको IMDb ने 10 में से 6.6 की रेटिंग दी है। 94% के लाइक इस मूवी को गूगल जस्ट द्वारा दे गए। आपको इस मूवी में बहुत ज़्यादा मिस्ट्री तो देखने को मिलेगी और साथ ही इस मूवी में आपको बहुत ज़्यादा हंसी भी आएगी। 23 सितंबर 2020 को इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था और इसकी कास्टिंग में आपको हेनरी केविल मेली बॉबी देखने को मिल जाएंगी। काफ़ी अच्छी और मस्त मूवी है और इस मूवी का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आ रही हूँ।
नंबर वन पर आती है कमाल की और बेहतरीन एनिमेशन मूवी ओवर द मून। इस मूवी को रिलीज किया गया था सन 2020 में और इस मूवी का जेनना है एनिमेशन एंड एडवेंचर। 1 घंटे 40 मिनट की मूवी है जिसको IMDb ने 10 में से 6.6 की रेटिंग दी है। 92% के लाइक इस मूवी को गूगल जस्ट द्वारा दिए गए हैं। 23 अक्टूबर 2020 को इस मूवी को कनाडा में रिलीज किया गया था और इस मूवी की कास्टिंग में आपको फिलिपा शू केंजू की आवाज़ सुनाई देगी और हिंदी लैंग्वेज में तो आपको किसी और की ही आवाज़ सुनाई देगी। आपको यह मूवी ज़रूर पसंद आएगी, आप इस मूवी को ज़रूर देखना।